एचजे न्यूज की रिपोर्ट। ज्यादा जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सोनभद्र के मीरपुर ब्लॉक के एक ग्राम पंचायत में रविवार को एक व्यक्ति ने नवजात बच्चे को बेचने की कोशिश की। कुछ लोगों ने 50,000 रुपए दाम भी लगा दिए। हालांकि मामला प्रकाश में आ जाने पर खरीदार खिसक लिए। उधर इस मामले में किसी रैकेट का भी हाथ होने की आशंका जताई जा रही है। कोहरौलिया निवासी एक व्यक्ति की पत्नी ने 5 दिन पूर्व बच्चे को जन्म दिया था। इसके बाद महिला की तबीयत बिगड़ गई। गरीबी के चलते उपचार के अभाव में शुक्रवार को महिला की मौत हो गई। महिला को पहले से ही 2 बेटी और 2 बेटे थे। बताया जाता है कि भरण पोषण को लेकर चिंतित इस व्यक्ति ने रविवार को नवजात पुत्र को बेचने की कोशिश की। इसकी जानकारी होने पर दंपति उसके घर पहुंचने लगे। कोई अनपरा से तो कोई खड़िया से पहुंचा। बीना से भी एक दंपति पहुंचा। ये लोग या तो बिना औलाद वाले थे या फिर उन्हें पुत्र नहीं था। शाम 4 बजे मामला सामने आने पर जब कुछ लोग वहां पहुंचे तो खरीदार मौका देख कर खिसक गए। वहां मौजूद लोगों का कहना था कि पिता ने नवजात के 1,00,000 रुपए मांगे थे, लेकिन खरीदने वाले 50,000 से ज्यादा देने को तैयार नहीं हुए। बीना चौकी की पुलिस ने बताया कि मामले की जानकारी नहीं है, यदि ऐसा हो तो नवजात को बेचने नहीं दिया जाएगा। जबकि पुलिस अधीक्षक RP सिंह ने भी मामले की जानकारी होने से इनकार किया।